हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोएम दैट इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। ये एक सोनेट है और ये पेट्रार्कन सोनेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनेट जो 14 लाइन्स की पोएम होती है और उसे एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है, तो एक सोनेट है, इसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी सी डी। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स पोएम के बारे में। अब हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है थॉमस हार्डी, थर्ड है स्टीवी स्मिथ, फोर्थ है विलियम ब्लेक। करेक्ट आंसर इज बी, ए विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हु आर द गॉड्स मेंशन्ड इन द पोएम। आपको बताना है कि इस पोएम में कौन से गॉड को मेंशन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है एफ्रोडाइट एंड हेस्टिया, सेकंड एरोस एंड एथेना, थर्ड है प्रोटियस एंड ट्रिटोन्स और डी है क्रोनोस एंड टायोने। करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटियस एंड ट्रिटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन। स्टोरी किस चीज़ पर फोकस करती है आपको बताना है। फर्स्ट है टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड, सेकंड द विंड ऑलवेज हाउलिंग, थर्ड है गिविंग आवर हार्ट्स अवे, डी है द सी एंड हर बोसम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द पोएम कंपेयर द विंड टू। आपको ये बताना है कि इस पोएम में जो है विंड को किससे कंपेयर किया गया है, हवा को किससे कंपेयर किया गया है। फर्स्ट है स्क्रीमिंग रोर्स, सेकंड इज रेन, थर्ड इज स्लीपिंग फ्लावर्स और डी है बर्ड्स सिंगिंग। करेक्ट आंसर इज सी, जो विंड होती है उसको स्लीपिंग फ्लावर से कंपेयर किया गया है और वहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट लाइन डज द स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कंसर्न्ड विद मटीरियल्स। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी लाइन से हमें पता चलता है या कौन सी लाइन के थ्रू पॉइंट बताना चाहता है कि हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक वर्ड से संबंधित हैं, हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो मटेरियलिस्टिक वर्ड में ज़्यादा है और स्पिरिचुअल वर्ड में कम है, नेचर को हम लोग बहुत ही कम आंकते हैं या उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो किस लाइन से हमें पता चलता है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। फर्स्ट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, सेकंड वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून, थर्ड है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, और डी है गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। करेक्ट आंसर इज डी होता है, पोएट कहता है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने और खर्च करने में वी ले वेस्ट आवर पावर, हम अपनी शक्ति को हमनी पावर को बर्बाद कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट डज द सी गिव टू द मून। ये कहना चाहते हैं जो सी होता है वो मून को क्या देती है। फर्स्ट है हर लाइट, सेकंड हर पीस प्लेस, थर्ड हर बोजम और डी हर बॉडी। करेक्ट आंसर इज सी, हर बोजम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर आउट ऑफ। पोएट के अकॉर्डिंग हम लोग किस चीज़ से बाहर हो गए हैं, तो पोएट कहना चाहता है कि हम लोग बेसुरे हो गए हैं, हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, नेचर में नेचर की चीज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं या नेचर पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, और एर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितनी लाइन्स हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया कि एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसमें कितनी लाइन होती हैं। तो सोनेट में जनरली 14 लाइन्स होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में इसे कंपोज किया जाता है। और जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग की जो 8 लाइन होती है उसको हम ओक्टेव कहते हैं और लास्ट की जो 6 लाइन्स होती है उसको हम सेस्टेट कहते हैं। ओक्टेव में प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया जाता है, सेस्टेट में उसका सोल्यूशन दिया जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन, द स्पीकर विशेस टू हैव व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड। जो विशेष है वो किस टाइप का बैकग्राउंड रखना चाहता है इस पोएम में, इच्छा उसकी किस टाइप के बैकग्राउंड की है। फर्स्ट है पैगन, सेकंड है कैथोलिक, थर्ड है ग्रीक, फोर्थ है क्लियर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, वो चाहता है कि वो पैगन हो। पैगन एक ऐसी स्टैचू होती है, एक ऐसी मूर्ति होती है जो किसी भी गॉड से बिलोंग नहीं करती है, तो एक पैगन बनना चाहता है ताकि वो सारी चीज़ों को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम। इस पोएम का मीटर क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है एम्बिक पेंटामीटर, सेकंड है डायमिक पेंटामीटर, थर्ड है एम्बिक पेंटामीटर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। सोनेट जो भी होती है उनको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है, तो इसे एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13,
वॉट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का सही टाइटल क्या है? तो इस पोएम का सही टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में है द वर्ल्ड इज टू मच फॉर अस, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बेरिंग हर बोजम टू द मून, ये कहना चाहते हैं कि बेरिंग हर बोजम टू द मून ये किसके लिए यूज़ किया गया है, हर किसके लिए यूज़ किया गया है? तो फर्स्ट है द विंड, सेकंड है द सन, थर्ड है सी, फोर्थ है माउंटेन्स। करेक्ट आंसर इसका सी होता है, सी के लिए यूज़ किया गया है, और उसी सी के लिए यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो आप बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द स्पीकर से दे वुड रादर बी, स्पीकर क्या बनना चाहता है, क्या उसकी बनने की इच्छा होती है? फर्स्ट है हर्मिट, सेकंड है पैगन, थर्ड है डेड, फोर्थ है बेगर। करेक्ट आंसर इज बी, पैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस, ये जो पोएम है वो किस टाइप की पोएम है? फर्स्ट है सोनेट, सेकंड लिम्रिक, थर्ड एन एलिजी, फोर्थ है अ बैलेड। करेक्ट आंसर इज ए, एक सोनेट है और एक पेट्रार्कन सोनेट है। जो हमारी पेट्रार्कन सोनेट होती है उसी को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो क्या थे? फर्स्ट है एन अमेरिकन पोएट, सेकंड है ब्रिटिश एंड इंग्लिश रोमांटिक पोएट, थर्ड है कैनेडियन पोएट और डी है इंडियन पोएट। करेक्ट आंसर इसका बी होता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट इन, विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया था 1843 में। इनसे पहले जो पोएट लॉरेट के पोस्ट पे होते हैं रॉबर्ट सऊदी होते हैं, और इनके बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं पोएट लॉरेट 1850 तक रहते हैं, और 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है इनको कब बनाया गया था, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, अबाउट विच फ्रेंड डज विलियम वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक फोर्थ ऑफ द प्रीलूड, यानी कि जो प्रीलूड बुक है उसमें किस फ्रेंड्स का रेफरेंस इन्होंने यूज़ किया है? फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है लॉर्ड बैरन, थर्ड है शेले, फोर्थ है कॉलरिज। तो सही आंसर इसका डी होगा, कॉलरिज होगा। कॉलरिज जो होते हैं इनके बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम होता है, फर्स्ट पब्लिकेशन होता है, जिसको हम लिरिकल बैलेट्स के नाम से जानते हैं, उसमें दो राइटर की पोएम को पब्लिश किया गया था। एक तो उसमें थे एस टी कॉलरिज जिनकी 4 पोएम्स थी, और दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ थे जिनकी 19 पोएम्स थी। टोटल उसमें जो पोएम्स पब्लिश की गई थी वो 23 पोएम्स थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेट्स में 1798 में, और उसका जो सेकंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था, और उसमें एक प्रीफेस ऐड किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रीफेस किस एडिशन में ऐड किया गया था, तो आप बोलेंगे सेकंड एडिशन में, जिसे पब्लिश किया गया था 1800 में। इसका थर्ड एडिशन आया था 1802 में, और इसका फोर्थ एडिशन आया था 1805 में। 1805 में ही प्रीलूड को लिख करके कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1850 में, इनकी मृत्यु के बाद इनके वाइफ के द्वारा, मैरी हचिनसन के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, विच पोएम वॉज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरिज, पोएम टू कॉलरिज किस पोएम को हम कहते हैं? तो जो पोएम टू कॉलरिज होती है इसको वर्ड्सवर्थ लिखते हैं पोएम टू कॉलरिज के नाम से, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसी पोएम को इनकी वाइफ मैरी हचिनसन के द्वारा पब्लिश किया जाता है द प्रीलूड के नाम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द प्रीलूड होगा, जिसको 1805 में लिख करके कंप्लीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850, आपको बताना है कि 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है तो किसे पोएट लॉरेट बनाया जाता है? फर्स्ट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड रॉबर्ट बर्न्स, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग और डी है मैथ्यू आर्नोल्ड। सही आंसर इसका फर्स्ट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया जाता है शेक्सपियर के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, द एक्सपीरियंस इन प्रीलूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन, प्रीलूड का जो एक्सपीरियंस होता है सेंसेशन से शुरू होता है लेकिन एंड्स किससे होता है? तो जो एंड होता है वो थॉट से एंड होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, और 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन, वॉट वॉज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन, ये कहना चाहते हैं कि जो लाइन को जो वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे तो उनके माइंड में कौन सी इवेंट चल रही थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट थी। फर्स्ट है हिज मैरिज, सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, थर्ड है हिज फ्रेंडशिप विद कॉलरिज,
और डी है द फ्रेंच रिवोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हिज मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिलूड। ये जो प्रिलूड है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है, जिसको वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था 1805 में, ये कंप्लीट हो गई थी। इसको पोएम टू कॉलरिज के नाम से लिखा गया था, पब्लिश किया गया था इनकी वाइफ के द्वारा मैरी हचिसन के द्वारा 1850 में। आपको बताना है कि इसको लिखा किसने था, तो सभी को पता है कि इसको लिखा गया था किसके द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।